चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका वही केके सर मैथ्स वाला आपको वेलकम करने के लिए खड़ा हूं अपने यूट्यूब चैनल केके मैथमेटिक्स के सामने। तो आज फिर से मैं एक आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर के हाजिर हूं, डेफिनाइट इंटीग्रल के नए टॉपिक। या इसका यूज डेफिनाइट में ही नहीं, इनडेफिनाइट में भी इसके यूज होते हैं। तब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका यूज हम इनडेफिनाइट और डेफिनाइट दोनों में करते हैं। तो वही एक टॉपिक है जिसका नाम है रिडक्शन फॉर्मूला। तो गिव द हेडिंग, सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए, हेडिंग देना बिल्कुल भी ना भूलें। रिडक्शन फॉर्मूला, नाम तो सुना ही होगा। अब एक बात जानना है आपको रिडक्शन फॉर्मूला के रिलेटेड कि आखिर ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि हमें काम देगा। क्या मुझे फॉर्मूला याद करना है? तो ऑफकोर्स याद करना होगा। आप यदि याद कर लिए तो बेहतर है, याद नहीं भी करें, आप इसके टेक्निक को समझ गए ना तो जीवन आपके लिए आसान हो जाएगा। जनरली रिडक्शन फॉर्मूला का यूज यदि देखा जाए तो टिल जेई तक ज्यादातर इसके यूज नहीं होते हैं, और ना तो कभी ज्यादा कोई सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले, लेकिन जब सिलेबस में है तो हमें नो डाउट कि इसको कवर करना ही है। जैसा कि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि रिडक्शन फॉर्मूला यानी कहीं सपोर्ट दैट। मैं एक बात आपको करना चाहूंगा, रिडक्शन फॉर्मूला के नाम से हमें क्या तात्पर्य निकलता है इसकी बात मैं आपको करने जा रहा हूं। सपोर्ट दैट की साइन स्क्वायर एक्स, यदि साइन स्क्वायर एक्स होगा डीएक्स तो आप निकाल लोगे, साइन क्यूब रहेगा निकाल लोगे, साइन एक्स टू यदि थर्टीन एक्स दे दिया तब निकालना आपके लिए आसान नहीं होगा। तब क्या करोगे आप, या तो सब्स्टिट्यूशन से यूज कर लोगे, और नहीं तो डायरेक्टली आप रिडक्शन फॉर्मूले से भी इसको आप डायरेक्टली आंसर इसके लिख सकते हो, लेकिन आसान नहीं होगा लिखना, थोड़ा सा लंबा होगा नो डाउट। तो इसके लिए ही रिडक्शन फॉर्मूला का यूज हुआ है, बट मैंने प्रूफ करके भी दूंगा आपको, जो फॉर्मूले इसके रिलेटेड जो भी है ना वो मैं आपको प्रूफ करके भी दूंगा, लेकिन आप लिख लें सबसे पहले जो ज्यादातर यूज होते हैं, साइन कॉस टैन, ये तीन ज्यादातर यूज में आते हैं। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं आपको, सारे लिख के दे रहा हूं, आप लिखते जाइए हमारे साथ में, और यदि याद होता है तो याद रखिए तो ज्यादा बेहतर है, यदि याद नहीं होता है तो बात को समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले नंबर वन में लिख देना आई एन, नंबर वन आई एन यानी इंटीग्रल ऑफ एनथ ऑर्डर दिया हुआ है, आई एन का मतलब, और आपको है पहला साइन रेज टू एन एक्स का लिखना है, साइन रेज टू एन एक्स लिखना, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं एक एक करके, एक एक चाहू तो मैं इसके प्रूफ भी दे दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले इसके फॉर्मूला भी लिखना, जल्दी से लिख लीजिए। डेडिकोस टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स, साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, एन माइनस वन अपॉन एन इंटू आई एन माइनस टू। अब एक बात आपको जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि आई एन माइनस टू क्या है, यार बहुत सरल सी बात है, आई एन जब आपको इतना दिया हुआ है n माइनस टू की बात करूं तो साइन रेज टू एन माइनस टू इंटू एक्स बन जाएगा, यही उसके रिडक्शन फॉर्मूला साइन का ऐसा बन जाता है। यदि साइन के बाद यदि आप कॉस पे बात करोगे, कॉस के लिए आप जाओगे, तो चलिए मैं प्रूफ करके भी दूंगा, डोंट वरी, पहले आप लिख लीजिए। यदि आई एन आपको दिया है कॉस रेज टू एन एक्स और एडीएक्स, तब जाके दैट कैन बी रिटन एज कॉस रेज टू एन माइनस वन एक्स, cos raised to n minus 1x into sin x upon n plus wahi once again n minus 1 upon n into i of n minus 2। लगे तो मैं इसके लिए लिख देता हूं, इसकी बात करूं आई ऑफ एन माइनस टू की जब बात करूं तो क्या बन जाएगा, आई एन इसका इतना था एन माइनस टू साइन रेज टू एन माइनस टू एक्स और एडीएक्स, इस तरह से इसके लिए आई एन माइनस टू कितना बनेगा आपको एक बात पता लग गया होगा, कॉस रेज टू कितना होगा एन माइनस टू
एक्स और डी एक्स ऐसा, जो कि मैंने दोनों बातें आपको वहां पे लिख दिया आई एन माइनस टू के। अब तीसरी बातें कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं, तो आई एन यदि आपको टेन रेस टू एन एक्स यदि गिवन होगा तब क्या करेंगे, तभी भी इसके रिजल्ट बहुत सरल है, टेन रेस टू एन माइनस वन एक्स अपॉन अपॉन एन माइनस वन माइनस आई ऑफ एन माइनस टू माइनस आई ऑफ एन माइनस टू। तो सबसे पहले अब एक बात जानना है कि जब साइन कॉस टैन की बातें यदि आपको पता लग गया तो बाकी का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, और यदि जरूरत पड़ा भी तो आप सिमिलर तरीके से निकाल के आप लिख सकते हो, कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं इसका एक आधा प्रूफ मैं आपको दे देता हूं। कौन सा प्रूफ दे दूं? तो चले साइन कॉस टैन किसी का भी कर लो। तो चलो तीसरे नंबर से ये स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ, इसका टैन का, इसका प्रूफ कर देता हूं, इसका प्रूफ कर। बेटा सबसे पहले एक बात देखना होगा, क्या किया मैंने, सबसे पहले जब आई एन आपको इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है आई एन, तो मैं एक काम कर रहा हूं कि टेन में करना क्या होगा। तो सबसे पहले आई एन यदि आपको टेन रेज टू एन एक्स और डी एक्स है, तो मैं एक काम करूंगा, मुझे यहां पे सेक स्क्वायर चाहिए ना, मुझे वहां पे बाजू में सेक स्क्वायर चाहिए ना, तो एक काम कर रहा हूं यार, सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड मैं कर लूं क्या पहले, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और यदि उतना भी नहीं तो बहुत सरल तरीके से टेन स्क्वायर वाले टर्म जो होगा, तो टेन स्क्वायर एक से एक काम करना है आपको, टेन स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई और टेन स्क्वायर एक से आप डिवाइड करना। जैसे कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, देखना ऐसा कुछ मत सोचना, कुछ मत सोचना, साइन एक्स रहता तो क्या करते हैं, सॉरी नहीं टेन एक्स रहता तो क्या करते हैं, टेन एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, टेन एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेते हो। सेकेंड में यदि टेन स्क्वायर रहा तो उसको भी सेक स्क्वायर में बदल के फॉर्मूला करके आप उसके आंसर तक पहुंच जाते हो, आप आसानी से पहुंचते हो, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके आप टेन स्क्वायर को भी आप डिजॉल्व कर लेते हो। वैसा ही यदि टेन की बात यदि मैं करता हूं, तो टेन के लिए आपको करना क्या होगा, बहुत सरल सी बात, यदि इसको ऐसा लिख दिया मैंने टेन रेज टू एन माइनस टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स यदि मैंने लिख दिया, तो क्या गड़बड़ किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना आसान होगा सेक स्क्वायर के टर्म में बदल करके, तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं बेटा, यहीं तक नहीं मैं इसको आगे तक लेके जा रहा हूं, टेन रेज टू एन माइनस टू एक्स एज इट इज हो जाएगा, और इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो और एडी एक्स लिख सकते हो। फिर से आप आई एन को, क्योंकि ये सारे टर्म आई एन ही थे, तो मैंने वंस अगेन यदि लिखा टेन रेज टू एन माइनस टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस टेन रेज टू एन माइनस टू इंटू एक्स, एन माइनस टू है पावर में एक्स और डीएक्स है। तो क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि क्या टेन को यदि मैंने टी पकड़ा तो उसके डी टी बन जाएगा? ऑफकोर्स ना, बहुत सरल बात है ना, क्या बोला मैंने, यदि टेन को टी पकड़ रहे हो आप तो टी रेस टू एन माइनस टू हो जाएगा, और टी रेस टू एन माइनस टू का इंटीग्रल जब निकालोगे तो बहुत सरल, यदि आप टी रेस टू एन माइनस टू का इंटीग्रल निकालोगे तो दिस प्लस वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन ऐसा बन जाएगा, यानी ओवरऑल कैलकुलेशन करो तो टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा, टी के जगह टेन लिख देना। वही काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं और आप मुझे बताइए, मदद करिए, तो ये हो जाएगा टेन रेज टू एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, ऐसा तो बन गया। अब क्या मैं दूसरे टर्म के जगह पे जब ये ऐसा है माइनस साइन है तो माइनस भी दे दिया, बट एक बात आप ऑब्जर्व करिए, आई एन आपके सामने टेन रेज टू एन एक्स है, तो क्या आई ऑफ एन माइनस टू इसके जगह लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लिख सकते हैं, तो माइनस कितना आई ऑफ एन माइनस टू बन जाएगा, किसके बराबर हो गया, आई एन के बराबर। अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कहीं कहीं आपको बस इतना ही पे छोड़ दिया जाएगा, इसी को रिडक्शन फॉर्मूला बोलेंगे, बस एन के जगह वैल्यू पुट करिए आप उसके आंसर निकालते जाइए। और कहीं कहीं तो ऐसा भी रहता है, आप देखिए वहां पे आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, सीधा आई एन प्लस आई ऑफ एन माइनस टू डेट इक्वल्स टू टेन रेज टू एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर टेन।
आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। तो कितना सरल मेथड है जो कि मैंने आपको बता दिया अभी आपको कि tan raise to nx यदि रहेगा ऐसा तो आप उसको निकाल सकते हो। तो चले यही नहीं, मैं इस पे एक सवाल भी यदि मुझे लगे तो मैं सपोर्ट डैट tan raise to 5 की बात करूं। चलो मैंने इसको इरेज कर रहा हूं, वन सेकेंड में प्रूफ करके दूंगा, बट इस पे मैं एक सवाल आपके सामने ला रहा हूं। तो सपोर्ट डैट tan raise to 5x रहा, क्या करेंगे बाबा बता दो यार मुझे। चलो तो सवाल में यदि मैंने ले लिया है यहां पे नंबर वन सवाल tan raise to 5x और एक dx कर लिया, सपोर्ट है तो n की जगह क्या पुट करना आपको 5 पुट करना है। तो ए वाला जो रिजल्ट है अपना, ए वाला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में यदि मैंने i 5 लिख दिया, a i 5 है ऐसा। अब बताइए मुझे लिखना यदि होगा इस फॉर्मूले के आधार पे कैसे अप्लाई करेंगे ये बात देखना। आपको रिड्यूस करना है ना कैलकुलेशन, रिडक्शन ही बोल रहे हैं ना उसको, रिड्यूस करना है कैलकुलेशन तो रिड्यूस करना है। तो नो डाउट कि हमें रिजल्ट को ध्यान में रखना होगा, और यदि ये रिजल्ट हमें याद है तो आप मुझे बताइए ना क्या बन जाएगा, बोलिए मुस्कुराइए और बोलिए आई फाइव दैट बिकम्स कितना बेटा टेन रेस टू एन माइनस वन यानी कितना 4x अपॉन कितना 4 हो जाएगा पहले, माइनस कितना आई ऑफ फिर से 5 में से 2 गया कितना 3 यानी आई 3 हो जाएगा ऐसा। अब इतना ही नहीं आई 3 को आपको कैलकुलेट कर लेना होगा, वन सेकेंड आई 3 निकाल रहा हूं फिर इसकी वैल्यू को यहां रखूंगा, कितना आ जाएगा आई 3 यानी एन के जगह 3 लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा एन के जगह आई 3 कैलकुलेट करना है हाँ एन के जगह 3 रख रहा हूं तो कितना टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बन जाएगा माइनस 3 3 है ना तो 3 में से 2 गया यानी आई बन जाएगा आई 1 ऐसा। आई 1 बोले तो क्या एन के जगह 1 रखना है, अब जब एन के जगह 1 रख रहा हूं तो मैं आई 1 भी कैलकुलेट कर लेता हूं, आई 1 कितना आएगा बेटा बोलिए 1 रख रहा हूं यानी ए 0 हो जाएगा टेन रेस टू 0 1 बनेगा तो कितना आई 1 1 अपॉन एन माइनस 1 बन गया, और ये 1 यदि मैंने यहां रखा तो क्या होगा बताएं, 1 यदि रखता हूं तो रिजल्ट आपके लिए कितना बन जाएगा 1 यदि मैंने रखा, बट ये निगेटिव तक पहुंचना थोड़ा सा देखना कभी भी यदि 2 से बड़ा रहे ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो यदि मैंने यहां पे रख लिया कितना सपोज दैट हमें क्या निकालना आई 1 तो 1 में से 2 गया कितना माइनस 1 निकालना होगा, यानी कहने का मतलब कि माइनस ऑफ आई ऑफ माइनस 1 यानी इनके जगह माइनस 1 रख सकते क्या यहां पे, थोड़ा सा देखना है इस मोड पे क्या बनेगा। यानी कहने का मतलब कि बहुत सरल तरीके से आपको इस तरह से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर करके एक एक स्टेप में उसके वैल्यू को आपको डालते जाना, जो आएगा फाइनली वही आंसर होंगे। ए रिडक्शन फॉर्मूला बताता है सपोर्ट डैट की ए उसकी वैल्यू है, और आपको सवाल कैसे पूछेगा मैं आपको बता रहा हूं, ए नहीं करना आपको छोड़ दीजिए याद छोड़, आपको सवाल कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं। गिवन होगा तो डायरेक्टली आपको गिवन होगा ऐसा आई 3 प्लस आई 5 डैडी, आपको यदि आई 5 दिया हुआ रहेगा और नीचे दिया रहेगा आई 3 प्लस आई 5 डैडी को कुछ फॉर्मेट पे दिया रहेगा, वहां से कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह के सवाल बनते हैं। और कैसे इसको अपन सोल्व करते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते 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 एक लंबी कहानी बनता है, उसी को हमें सोल्व करके लिखना होता है, वही है आपका रिडक्शन किसके लिए मैंने टाइम के लिए बताया। तो ऐसा ही आपको साइन के लिए करना है, वैसा ही आपको कॉस के लिए करना है। तो चले सबसे पहले मैं प्रूफ दे देता हूं, इसके सवाल आप मत लिखिए, बस आपको मैंने एक बात बताया कि सवाल को कैसे हम डील करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको दिए रहेंगे इसी फॉर्मेट पे दिए रहेंगे, तो ध्यान रखना आपको सबसे पहले। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं साइन एक्स टू एन एक्स की बात करूं, उसके लिए भी प्रूफ देख लो आप, साइन रेस टू क्या है एन एक्स है डी एक्स है आपका इन, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज्यादा होगा समझे आप, कैलकुलेशन विस्तृत पूर्वक जाने आप, करना क्या है आपको साइन वाले फॉर्मेट के लिए करना क्या है आपको ये जानना आपको जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूं साइन एस टू एन एक्स है ना, मैं तो इसको ऐसा करके आई एन को मैं ऐसा लिखा यदि साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देता हूं और ए डी एक्स कर लिया ऐसा, क्योंकि अब यहां से बाईपार्ट्स लगाना बहुत ही आसान होगा,
तो क्या आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कहां तक पहुंचेगा, और वो जो मैंने लिख के रखा था वो प्रूफ हो सकता है आपसे, क्या आप ट्राई कर सकते हो? तो ऑफ कोर्स करके देखना बेटा, क्योंकि यही रिडक्शन फॉर्मूला, कोई दम नहीं है। यदि आपको ये तीनों रिजल्ट पता है ना, आप सवाल को लगाइए, जैसा सवाल आपसे पूछा वैसा आप करते जाइए। तो चले इतना ही नहीं, मैं इसको यू इंटू वी को लगा करके मैं एक को यू पकड़ लिया और एक को वी पकड़ लिया, एक को जिसका इंटीग्रल आसान हो उसको मैंने वी पकड़ लिया। अब इंटीग्रल आसान किसका है? साइन का इंटीग्रल आसान है। अब बताइए यू एज इट इज, यानी साइन साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स एज इट इज, इंटीग्रल साइन का क्या होगा? माइनस कॉस सिक्स होगा। माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू, तो क्या आ जाएगा? एन माइनस वन इंटू साइन रेज टू कितना होगा? एन माइनस टू बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, ऐसा होगा। और वंस अगेन साइन का डेरिवेटिव फिर से कितना होगा? इंटू कितना? कॉस एक्स हो जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया। और वंस अगेन इंटीग्रल ऑफ वी, यानी साइन का वंस अगेन इंटीग्रल, यानी माइनस ऑफ कॉस एक्स, यानी प्लस करके मैंने कॉस स्क्वायर कर लिया, ऑलरेडी एक्स कर, यहां तक तो मैंने कर दिया। अब आगे बताइए आप क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? तो बहुत सरल तरीके से वंस अगेन आप एक एक स्टेप को डिजॉल्व करते हुए यदि आप जाओगे तो आपके लिए राहें आसान हो जाएगी। तो साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स एज इट इज इंटू माइनस कॉस एक्स है, आप लगे तो माइनस को बाहर लिख के कॉस एक्स इसको लिख देना, ऐसा लिख दिया मैंने ऐसा कॉस एक्स। अब बताइए देखिए, यदि मैंने यहां पे n माइनस वन को बाहर ले लिया और इंटीग्रल ऑफ साइन रेज टू एन माइनस टू एक्स है और एक कॉस स्क्वायर है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर कर लेता हूं और एडी एक्स कर लेता हूं। देखिए ना, एक किसके फायदे हुए? आई एन के बराबर है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। माइनस साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस एन माइनस वन एज इट इज लिख दिया। अब एक एक को मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, साइन रेज टू एन माइनस टू एक्स ऐसा हो गया, और इसके इसके साथ करूंगा तो कितना आ जाएगा बोलिए? मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, इस इंटीग्रल को मैंने यहां दे दिया। तो चलें नेक्स्ट कितना आएगा बोलिए? इसका वन के साथ कर लिया, फिर से माइनस है इसका, तो ये साइन एक्स हो जाएगा ना, नहीं साइन रेज टू एन हो जाएगा ना, तो साइन रेज टू कितना हो जाएगा? टू जुड़ जाएगा, तो कितना? साइन रेज टू एन एक्स और एन हो जाएगा आपका डी एक्स। बताओ ना क्या लिख दिया मैंने? अब क्या मैं इसके जगह पे एक के जगह आई एन और एक के जगह आई ऑफ एन माइनस टू मैं लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अब इसके जगह यदि मैं लिखूं तो आई ऑफ एन माइनस टू लिखना और इसके जगह लिखूं तो आई एन लिखना। तो मैं एक काम करता हूं, सारे आई एन को मैं एक तरफ लेके जाता हूं, तो इधर आई एन एक है तो कितना आ जाएगा एलएचएस में? आई एन लिया था, आई एन यदि मैंने कॉमन ले लिया एलएचएस का तो क्या आएगा? इधर से तो वन है, इधर से माइनस ऑफ एन प्लस वन इधर आकर के कितना होगा? एन माइनस वन ऐसा बन गया। डेडिकुस टू, यानी किसका खेल खलास हो गया। अब बचा कितना? माइनस ऑफ साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स पहला वाला टर्म बचा, दूसरा एक और बचेगा बेटा आई ऑफ एन माइनस टू है, तो प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू आई एन माइनस टू ऐसा बन गया। वन वन कैंसिल हुआ, आई एन यदि मैं लिखू तो एन से इधर डिवाइड कर गया, माइनस ऑफ साइन रेज टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कितना? एन ना, दे दिया ना मैंने इंटू, और बोली यदि एन से डिवाइड किया मैंने तो क्या बन जाएगा यार? एन से डिवाइड किया तो एन माइनस वन प्लस तो है ही यहां पे, एन माइनस वन अपॉन एन हो जाएगा इंटू कितना? आई ऑफ एन माइनस टू। यही तो रिजल्ट था जिसको हमने लिखा था, और इसी को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। यदि आपको याद है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा, सपोज आई फोर दिया रहेगा, आई फाइव दिया रहेगा, आई फाइव के साथ में दो माइनस करके यानी आई थ्री दिया रहेगा, तो आई फाइव और आई थ्री के रिलेशन में कोई टर्म दिए हुए रहेंगे, तब आप समझिए वहां रिडक्शन फॉर्मूला ही यूज हुआ है। बहुत सरल ना, सपोज दैट की आई नाइन यदि आपको दिया रहा है, आई नाइन दैट इक्वल्स टू साइन रेज टू नाइन एक्स यदि ऐसा दिया रहेगा, और यदि इतना ही में नहीं तो आई एन दैट इक्वल्स टू साइन रेज टू एन एक्स तो ऐसा दिया रहेगा, और यदि आपको यहां से आई नाइन और आई सेवन के रिलेशन में कुछ आपको यदि लिखना होगा
दैट मींस व्हाट, कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि टर्म जो भी गिवन है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, रिडक्शन फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में गिवन। और यदि आपको इतना मालूम चल गया तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छे लेवल पे है कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन करना नहीं, आपको याद रखना है, और याद रहा तो बहुत ही बेहतर होगा। तो चलें इसको पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और वंस अगेन कॉस का प्रूफ करके आप मुझे जल्दी से बताइए। चलिए, तो जैसा कि आपको कॉस रेज टू एन एक्स का भी प्रूफ आपने देख लिया होगा, अब मैं इस पे कुछ सवाल मैं देना चाह रहा हूं आपको, तो देखिएगा सवाल किस तरह से बनते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कि प्रूफ तो नो डाउट कि आप कर लोगे और आपने किया भी होगा सिमिलर टू दिस। तो बेटा सबसे पहले एक बात देखिए, आप क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं आपको, फिर बहुत सारे सवाल हैं आपके मॉडल में, वहां से आप ट्राई करके उसके डाउट पूछ सकते हैं। तो राइट एन एग्जाम्पल लिख लीजिए, गिवन है आपका आई एन डेड इक्वल्स टू, गिवन है आपका लिख लेना, गिवन आई एन डेड इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई फोर, जीरो टू पाई बाई फोर, और एक टेन एक्स रेज टू एन, टेन रेज टू एन एक्स है और एडी एक्स इस तरह से आप लिख लें, जो भी कंटेंट आपका गिवन है लिख लेना, जहां पे ए भी मेंशन करना, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मेंशन कर लेना। तब जाके आपको प्रूफ करना है, राइट डाउन प्रूफ दैट आई एन प्लस आई एन माइनस टू डेट इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन, देन प्रूफ दैट आई एन प्लस आई ऑफ एन माइनस टू डेट इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन, और बाजू में रिस्ट्रिक्शन उसके लिए एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जरूर होगा, नहीं तो आई माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसा वैल्यू निकालना आसान नहीं होगा, नहीं निकाल सकते आप, मुश्किल होगा, इसलिए विदाउट रिस्ट्रिक्शन सवाल होगा ही नहीं। जैसा अभी मैंने कुछ पल पहले कर रहा था तो आई माइनस वन निकल रहा था वहां पे, तो यहां पे ध्यान रखें कभी भी रिस्ट्रिक्शन होगा वही आपको यूज करना है। चले तो ये एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, थ्री है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सिक्स, क्या फाइंड करना है यहां से, आई सिक्स के वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करने हैं। बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल बात है, देखना है आपको। तो सबसे पहले अभी जो रिजल्ट आपने टेन वाला जो रिजल्ट आपने देखा रिडक्शन का, तो मैं चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला, यदि आपको याद है तो फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर से आपको वही काम करना होगा, वही प्रोसेस करके फिर से फॉर्मूले के प्रूफ ही करना होगा। तो क्यों प्रूफ करें अपन, डायरेक्टली हम उस फॉर्मूले पे ही आते हैं, उस फॉर्मूले को ही हिट करते हैं। तो देखना वी नो, लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, अभी जस्ट मैंने आपको प्रूफ करके दिया, वी नो दैट आई एन प्लस आई एन माइनस टू डेट इक्वल्स टू क्या था अभी आपने देखा, डेट इक्वल्स टू टेन रेज टू एन माइनस वन, एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन, यही फॉर्मूला था रिडक्शन फॉर्मूला, अब यही तो यूज हो रहा है, देखना ए फॉर्मूला। अब यदि किसका मैं यूज कर रहा हूं आई एन का, और ये पाई बाई फोर है ना, तो जीरो से पाई बाई फोर की बात यदि मैं करूं तो देखना बेटा क्या बन जाएगा, क्योंकि आई एन माइनस टू इधर कर लोगे तो एज इट इज बन जाएगा, और यदि जीरो से पाई बाई फोर की बात करोगे इसका है आपका जीरो से लेकर के पाई बाई फोर, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगा। अपर लिमिट यूज करोगे टेन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, वन के पावर एन माइनस थ्री करो, एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है तो वन ही आने वाला, उनके पावर कुछ भी कर लो ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जब मैं बात करूं तो इसके रिजल्ट कितना आ जाएगा, वन अपॉन कितना एन माइनस वन, और लोअर लिमिट बात करूं टेन जीरो जीरो होगा तो अगला वाला जीरो हो जाएगा, यानी आपके यहीं से प्रूफ इसके निकल गया, आई एन प्लस आई एन माइनस टू डेट बिकम्स कितना, वन अपॉन एन माइनस वन, ये प्रूफ हो गया, डन सवाल डन, कितना सरल सी चीज। लेकिन उसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, और यदि याद नहीं रखें तो फिर से आप वैसा ही प्रूफ करके लाइए ना। तो चले अब इसके आगे आपको कंटेंट क्या है, आई सिक्स निकालना है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ऐसा निकाल दिया यदि मैंने सपोर्ट डेट तो क्या क्या निकलेगा उस पर हमें थोड़ा सा देखना है। तो देखना सबसे पहले क्या बन जाएगा, आई एन का वैल्यू हमें आई सिक्स निकालना है ना, आई सिक्स जब हमें निकालना है तो मैं एक काम करूंगा यहां से आई सिक्स निकालने के लिए,
आप एक काम करो, I2 निकाल सकते हो, I2 निकल जाएगा। जब I2 निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखना I2 निकाल रहा हूं मैं यहां से, I2 क्या बन जाएगा, tan का है ना, तो tan का पावर 2x और dx ऐसा बन जाएगा, यही होगा ना I2। अब जीरो से कितना है, पाई बाई फोर है, तो जीरो से पाई बाई फोर भी दे दिया मैंने, क्योंकि I2 का जरूरत हमें आगे पढ़ने वाला है। तो मैं निकाल रहा हूं इसको, मैंने sec स्क्वायर x माइनस वन लिखा, और ये dx हो जाएगा जीरो से लेकर के पाई बाई फोर की बात, एंड sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और माइनस x कर रहा हूं तो जीरो से लेकर के पाई बाई फोर की बात, अपर माइनस लोअर अपर कर रहा हूं वन हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर लोअर करूंगा तो दोनों जीरो हो जाएगा, यानी I2 का वैल्यू 1 माइनस पाई बाई 4 जैसा कि हमारा बन चुका है। अब आप मुझे बताइए कि इसको एज ए रिजल्ट लगे तो नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट यदि मुझे ऐसा ही I4 प्लस I2 निकालना होगा, n की जगह 4 रख लेता हूं, I4 प्लस I2 दैट इक्वल्स टू n की जगह क्या रखा मैंने 4 रखा, जब मैंने 4 रखा तो इतना निकल गया, तो 4 यहां रखा तो 4 में से गया 3, तो 1 अपॉन 3 निकल गया, और I2 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा निकला हुआ था कितना, वो मैं यहां पे रख रहा हूं, तो I4 डैट इक्वल्स टू 1 बाई 3 माइनस I2, I2 का वैल्यू कितना 1 और माइनस माइनस प्लस कितना पाई बाई 4 बन जाएगा, यानी कैलकुलेशन करूं तो कितना आ जाएगा देखना, माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 बाई 3 प्लस कितना पाई बाई 4, ये आपके लिए ऐसा बन गया माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2 अपॉन 3 प्लस पाई बाई 4 आई 4। वैसा ही मुझे आई 6 यदि निकालना होगा तो आई 6 प्लस कितना एन का वैल्यू 6 रख रहा हूं इक्वेशन 1 में, वन सेकेंड फ्रॉम 1, तो बोलिए नेक्स्ट कितना आई 4 हो जाएगा ना, डेट इक्वल्स टू 6 रखा तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए मुझे तो आई 6 चाहिए, तो आई 6 डेट इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 माइनस I4, और I4 का वैल्यू इतना है तो प्लस कितना 2 अपॉन 3 हो जाएगा, और माइनस कितना पाई बाई 4 हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कि माइनस है, I4 उधर जाके माइनस हो रहा है ना, यहां माइनस ऑफ दिस कर रहा हूं तो इसके माइनस माइनस प्लस माइनस पाई बाई 4। अब कैलकुलेशन करो इसका, इसके साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं कितना आ जाएगा 15, और ये 3 कैलकुलेशन कर रहा हूं 3 प्लस कितना 10 यानी 13 हो जाएगा, अपॉन कितना 15 माइनस कितना पाई बाई 4 यानी 13 अपॉन 15 माइनस पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। एक बात आप सबसे पहले ध्यान में रखें, लेकिन एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिडक्शन फॉर्मूला के बाद एक सिंपल सी बात आता है आगे, क्योंकि इंटीग्रल में एक बात आपको जानना जरूरी है, इंटीग्रल में कि क्या सभी इंटीग्रल के मतलब सभी फंक्शन के इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे फंक्शन है जिसका इंटीग्रल आप नहीं निकाल सकते हो, उसके लिस्ट मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं, तो सबसे पहले वो लिस्ट आप लिखते जाएं, लिस्ट आप लिखते जाएं, एक एक करके आप लिस्ट लिखें, तो उससे पहले कि आप हेडिंग दे दें, अरे लास्ट टॉपिक है, लास्ट बीट है इस चैप्टर का, इसके बाद इसके एप्लीकेशन यानी नीची एरिया टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल That is the area। तो मैं लिखवा रहा हूं, पहले आप लिख लें उसका हेडिंग दे, सम इंटीग्रल गिव द हेडिंग, सम इंटीग्रल विच कैन नॉट बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ नॉन एलिमेंट्री फंक्शन, यानी आप इस फंक्शन को जानते हो और इसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, कांट फाउंड बिल्कुल भी नहीं आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखें। यदि दिया रहे सवाल ऐसा दिया रहे तो आप वहां पर लिखना कि इस तरह के इंटीग्रल को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके दिन खराब हो जाएंगे और इसके आंसर भी नहीं आएंगे, सोल्व भी नहीं होंगे, लास्ट में नोट सोल्व भी आएंगे। तो कैसे होंगे आंसर और कैसे होंगे सवाल, तो आप लिखते जाइए, नंबर वन लगे तो आप लिख रहे सम इंटीग्रल, क्या आपने हेडिंग दिया सम इंटीग्रल्स कांट फाउंड कर दिया मैंने, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं नंबर वन किस तरह के इंटीग्रल को हम नहीं निकाल सकते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है आज की बात है, नहीं तो सवाल आया और आप करना स्टार्ट करोगे फिर बाद में फंसोगे।
तो नंबर वन इंटीग्रल टाइप में आप लिख लें साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। नंबर सेकेंड इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन एक्स, यदि इस तरह के रहा तो नहीं निकाल सकते। नंबर तीसरा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। नंबर फोर साइन ऑफ एंगल में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर, नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर फाइव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, निकाल ही नहीं सकते हैं। नंबर सिक्स एक्स इंटू टेन एक्स, निकाल के देखना नहीं निकलेगा। नेक्स्ट इरेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, इरेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। एट इरेज टू एक्स स्क्वायर डीएक्स, इरेज टू एक्स स्क्वायर डीएक्स। नेक्स्ट एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू फाइव डीएक्स। नंबर टेन वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर वन बाई थ्री डीएक्स। कहीं 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 ऐसा मिलता है एक्सेप्शनल जिसका फाउंड नहीं होता है, आपको कभी भी ऐसा मिले तो आप ध्यान रखें कि इसके इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते हैं। नंबर इलेवन, नंबर इलेवन डीएक्स अपॉन एलएनएक्स, डीएक्स अपॉन एलएनएक्स। नंबर ट्वेल्व अंडर रूट ऑफ वन प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, के कॉन्स्टेंट है, के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। जहां पे आप लिखें के बिलोंग्स टू आर, लिखना बिल्कुल भी ना बोले। यही वो बारह जो मैंने लिखा हूं, यही वो शख्स है जिसका इंटीग्रल निकालना आसान नहीं है और इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो चलें ये चैप्टर को अपन यहीं पे द एंड करते हैं। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट से लेकर के एवरीथिंग आपका कवर हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उस टॉपिक का नाम होगा एरिया अंडर द कर्व दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तब तक के लिए आपको सेफ रहिए, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।